भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या को लेकर बुधवार को 30 साल बाद जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में JKLF के चीफ और अलगाववादी नेता यासीन मलिक मुख्य आरोपी हैं। तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल को नोटिस भेजकर 1 अक्टूबर को यासीन मलिक को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केवल एक आरोपी अली मोहम्मद मीर अदालत में मौजूद था, बाकी अनुपस्थित थे। बता दें कि साल 1990 को यासीन मलिक के नेतृत्व में JKLF के आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में वायुसेना के जवानों पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों पर उस वक्त गोलियां चलाई जब जवान बस का इंतजार कर रहे थे। आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत हो गई थी जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने मामले में यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया था। यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के श्रीनगर विंग के समक्ष एक नई याचिका दायर की जिसमें मामले की सुनवाई को श्रीनगर में स्थानांतरित करने की मांग की गई, लेकिन स्थगन आदेश के कारण मामले में कार्यवाही फिर अटक गई। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद CBI हरकत में आई। CBI की वकील ने यासीन मलिक की याचिका का विरोध किया और जम्मू की टाडा विंग ने यासीन मलिक की याचिका को खारिज कर दिया। यासीन मलिक इस समय टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। न्यूज़ डेस्क।